सर कैसे आप सभी लोग, मैं हूँ गैलेक्स। फिर आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अपने माइनक्राफ्ट में, मतलब अपने टी लॉन्चर में कैसे अपने कस्टम स्किन्स को अपन लगा सकते हैं। मतलब क्या आप लोग देख सकते हो कितनी बोरिंग सी स्किन्स अपने को मिलती है माइनक्राफ्ट की तरफ से। और मतलब हम लोग जाते हैं कि यार ये वाली कितनी बकवास लग रही है, हम लोग नहीं लगाए। और कुछ बंदों को यार मतलब लगा नहीं पाते, समझ नहीं आती कैसे लगानी होती है। तो आज मैं उन लोगों के लिए वीडियो बनी जिन लोगों को समझ नहीं आता कि कैसे अपनी माइनक्राफ्ट स्किन को चेंज करते हैं। तो आज मैं उन लोगों को बताने वाला हूँ। तो यार वीडियो के आखिरी तक बने रहना। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भूलना। अभी चलते शुरू करते हैं वीडियो को। वो साइट है जहाँ से आप लोगों को आपकी कई सारी माइनक्राफ्ट की स्किन्स देखने को मिल जाएगी। एंड ये वन ऑफ द बेस्ट साइट है जहाँ से आप हर तरीके के माइनक्राफ्ट स्किन ले सकते हो, जिस तरीके के आप चाहो। तो सर मैं भी यहाँ पे एक चूज़ कर लूँगा। एंड आप लोगों को इस साइट की लिंक कमेंट में देखने को मिल जाएगी, तो जाके आप वहाँ से कमेंट में से ले सकते हो। तो मैं यहाँ से यार मैं ये वाली स्किन को चूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा कूल सी लग रही है। तो आप लोगों को जो स्किन अच्छी लगे आप वाली ले सकते हो। अभी आपको सिंपल इस वाली स्किन के ऊपर क्लिक कर लेना, जो भी आपने स्किन को चूज़ कराए उस स्किन के ऊपर क्लिक करके आपको इसको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। सर अभी डाउनलोडिंग के बाद में जो सबसे मेन स्टेप है स्किन को इक्विप करने की, वो स्टेप ये कि आप लोगों को अपना टी लॉन्चर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपको इस वाली साइट पर जहाँ पर मैं कर्सर घूम रहा हूँ वहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा इंस्टॉल स्किन, आपको उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। एंड जैसे ये ओपन होगा वहाँ पे आपके सामने एक साइट खुल जाएगी जहाँ पे होगा हाउ टू इंस्टॉल स्किन इन माइनक्राफ्ट टी लॉन्चर। जहाँ से अगर आप लोग पहले से यहाँ पे आप लॉगिन है, मतलब आपके यहाँ पे पहले से कोई अकाउंट डला हुआ है, वहाँ पे आप सिंपली इसको लॉगिन कर सकते हैं। आप इस साइट पे पहली बार आए तो आप लोगों को सिंपल साइन अप कर लेना है। तो ये सर क्योंकि यहाँ पे पहली बार नहीं आया, यहाँ पे मैं कई बार आ चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे सिंपली लॉगिन कर लूँगा। बट हाँ, क्योंकि आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे सिंपल में साइन अप पे क्लिक करेंगे। आप लोग भी साइन अप पे क्लिक करना। जैसे यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे दिखा होगा रजिस्ट्रेशन ओनली टेक सम मिनट। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना, लॉगिन में आपका कुछ भी आपको नाम डाल देना, जैसे कि मैं डाल दूंगा यहाँ पे, मैंने नाम डाल दिया। यहाँ पे आपको सिंपल अपना नाम डाल देना है। यहाँ पे आपको ईमेल में आपकी ईमेल डाल देनी है, जो भी आपकी ईमेल हो वो यहाँ पे आपको ईमेल डाल देनी है। एंड आपकी जो ईमेल का पासवर्ड है वो ईमेल का पासवर्ड आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कुछ भी ऐसा रैंडम सा। यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया। मतलब आप लोगों का करना है आपकी ईमेल डालनी है, यहाँ पे आपका कुछ भी यूजर नेम डालना है। एंड मेक श्योर कि वो यूजर नेम पहले से यूज में ना हो। एंड यहाँ पे पासवर्ड डाल देना आपको आपकी ईमेल का। यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट करके इसको आपको साइन अप कर देना है। एंड आपका यहाँ पे साइन अप हो जाएगा। तो क्योंकि यार मैं पहले से इसमें साइन इन दूँ, मतलब यहाँ पे पहले से मेरा अकाउंट डाला हुआ है, तो मैं यहाँ से सिंपल इसको लॉगिन कर लूँगा, तो मैं ऐसे लॉगिन कर पाऊंगा। एंड भाई जिन लोगों का यहाँ पे लॉगिन है पहले से, और जिनको यार मतलब रिसेट करना हो पासवर्ड, उनको नहीं आ रहा हो कैसे करते रिसेट, सर मुझे कमेंट में जरूर बताना कैसे पासवर्ड को रिसेट करते हैं, वो भी टी लॉन्चर वाली साइट पे। तो मैं उसके लिए भी एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। क्योंकि सर अभी मैं फटाफट से यहाँ पे अपना बता देता हूँ कि कैसे इंस्टॉल करते हैं इनको, आगे की प्रोसेस। तो सर जैसे ही आप लोग साइन इन करोगे आप लोगों को ये वाला एरिया देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे लिखा होगा यूजर एरिया। आप अभी आप लोगों का काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे प्रीमियम, नॉट एक्टिव, यूर बैलेंस। आप लोगों को इनमें से किसी में भी कुछ नहीं करना है। आप लोगों को सिंपल जाना है, यहाँ पे आप लोगों को नाम देखने को मिल जाएगा अपना, आप लोगों ने जो भी नाम रखा होगा। और मैं तो ये रख रखा है। यहाँ पे आप लोगों को अभी आपकी जो स्किन आप लोगों को वो स्किन देखने को मिलेगी, तो यार मेरी तो स्टिव की स्किन है। यहाँ पे आप लोगों को देखने को एक मिल जाएगा अपलोड स्किन। आप लोगों को इस अपलोड स्किन के ऊपर क्लिक कर देना है। एंड डेस्कटॉप पे चलाना, आप लोगों ने जो आप लोगों की स्किन ली उसके ऊपर आपको क्लिक करके उसको कर लेना है ओपन। आप लोग यहाँ पे देखो कि हमारी स्किन जो है वो यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। अभी आप लोग जैसे माइनक्राफ्ट में आओगे आपकी स्किन आ जाएगी। अगर आप लोग चाहते हो आपकी मतलब केप पे लगाना, मतलब कि आपकी पीठ पे कुछ भी आप अगर लगाना चाहते हो तो आप यहाँ से लगा सकते हो। हाँ गाइस, अगर आप लोग चाहो कि केप पे कैसे लगाते हो, उसके केप क्या होता है, तो मैं उसके ऊपर से एक अलग पूरी वीडियो बना दूंगा, मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। तो गाइस सर यहाँ पे मेरी स्किन पूरी आ चुकी है। अभी मैं जाऊँ तो इसको स्लिम भी कर सकता हूँ, क्लासिक भी कर सकता हूँ, कैसा भी कर सकता हूँ। तो यार मैं तो इसको स्लिम पे रखने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा पसंद है। अभी मैं आप लोगों को अपने माइनक्राफ्ट में आकर बताता हूँ मेरी स्किन अपलोड हो चुकी है नहीं। सर यहाँ पे मैंने माइनक्राफ्ट ज्वाइन कर लिया है। आप लोग देख सकते हो कि मैंने जो स्किन अपनी लगाई थी वो स्किन यहाँ पे आ चुकी है। हाँ गाइस, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बात और बता दूँ कि आप लोगों को साइन अप में ना आपका वही वाला लॉगिन यूजर नेम डालना है जो आपके गेम में, जैसा कि मेरा नाम है गैलेक्स टोटिक, मेरा नाम वैसे सर गैलेक्स 298 है, बट मैंने इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे अपना नाम गैलेक्स टोटिक 198 करके रख लिया है। तो आप लोगों को भी आपका माइनक्राफ्ट वाला यूजर नेम डालना है, तभी आप लोगों की स्किन जो है वो आ पाएगी, नहीं तो स्किन वर्क नहीं करने वाली है ना। मेक श्योर कि आप लोग यहाँ पे किसी ऑप्टिफाइन में नहीं खेल रहे हो। एंड हाँ, अगर आप लोग कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो लोग ऑप्टिफाइन में खेल पाते हैं तो उनका चल जाता है, क्योंकि यार मतलब हर किसी में ऑप्टिफाइन काम नहीं करता। तो अगर आप लोगों के इसमें ऑप्टिफाइन में स्किन नहीं दिखे तो आप लोग ऑप्टिफाइन ऑफ करके चला सकते हो टी लॉन्चर पे, तो आपकी स्किन दिखने लग जाएगी, जैसा कि आप लोग यहाँ पे मेरी स्किन को देख सकते हो। तो चलो गाइस सर, आज की वाली वीडियो के लिए तो इतना ही। आई होप कि आपको आज की वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। एंड हाँ, आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही कि नहीं रही मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।